हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नई डिश के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत। और आज हम बनाएंगे बढ़ल की सब्जी, कटहल की सब्जी। मीन्स इसको बढ़ल भी बोलते हैं कहीं पर, और कहीं पर इसको कटहल भी बोलते हैं। मेनली इसको कटहल बोला जाता है। तो कटहल की सब्जी हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको चाकू की हेल्प से इनका पीसेस कर लेने हैं इनके। और ये चिपकता बहुत है, सो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें अपने हाथों पर, ये आपके हाथों पर नहीं चिपकेगा। और कुछ इस तरीके से पीसेस आपको काट लेने हैं। अब ये मैंने प्लेट में सारे पीसेस को रख लिया है। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इन सबको आपको धुलकर कढ़ाई में थोड़ा पानी लेके इसको उबलने रख देना है। और कितना उबालना है, बहुत हल्का उबालना है आपको ये। और दूसरी तरफ हम एक नया प्रोसेस कर लेते हैं, एक बेसन का एक अच्छा सा घोल बना लेते हैं हम। नॉर्मली बस एक ही बेसन है, बेसन में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, और इसका आप एक अच्छा सा घोल बना लीजिए। और उधर भी हल्का भाप लगानी है सिर्फ आपको कटहल को। और ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, कटहल के पीसेस कुछ इस टाइप से हो जाएंगे उबलने के बाद। और ये रखा है आपका बेसन। दूसरी तरफ गैस पे आपको पैन में तेल रख लेना है, सरसों का तेल, या फिर आप रिफाइंड भी रख सकते हैं, एज यू विश। और इन पीसेस को अच्छे से इस बेसन में मिला लेना है। आप स्पून की हेल्प से भी मिला सकते हैं, हाथ की हेल्प से मिला सकते हैं, बहुत इजीली इन पे बेसन चारों तरफ लग जाएगा। और उधर हमारा पैन में तेल हो गया है, और स्पून की हेल्प से ये पीसेस जो हैं आपको कढ़ाई में छोड़ देने हैं। आप चाहे हाथ से भी छोड़ सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत बार आपने बढ़ल कटहल की सब्जी बनाई होगी, आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। जो भी खाएगा बहुत तारीफ करेगा। एक बार आप इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। बहुत इजी भी है, बहुत आराम से बन भी जाता है ये। और जो नॉर्मली हम बढ़ल वैसे बनाते हैं ना, डायरेक्ट उसको छोंक कर बनाते हैं, तो उसमें पानी हल्का कचकच सा बोलता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बढ़ल खा रहे हैं, इतना टेस्टी लगेगा ये। अब आपको इसे अच्छे से भून लेना है, मतलब इसको फ्राई कर लेना है। और इसको दोनों तरफ से अलट पलट कर इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो बस इसको वापस से सारे पीसेस को आपको एक प्लेट में निकालते रहना है। सेम यही प्रोसेस आपको करना है। आप देखिएगा मैंने इनको दोनों तरफ से अच्छे से पलट कर सेक लिया है। और ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप लें तेल या रिफाइंड, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का ही रखें। अब ये सारे पीसेस मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं ये। अब ये दूसरी तरफ हमने एक प्रोसेस किया है, एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर लेके मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसको एक पेस्ट बना लिया है। और दूसरी तरफ उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर जो वो तेल में फ्राई किए थे वहीं पर मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरे के साथ मैंने हींग भी डाला है यहाँ पे। और इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करने से पहले यहाँ पर मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने डाली है हल्दी, अब मैं डालूँगी यहाँ पर मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और लास्ट में नमक। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा। और जब आपने इसको उबाला था ना, तो आप थोड़ा सा नमक तब भी डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर जो हम मेरे टमाटर और प्याज का पेस्ट था वो मैंने इसमें मिला लिया है। और इसको 2 मिनट तक इसी गैस पे आपको अच्छे से भून लेना है, जब ये हमारे मसाले और जो प्याज है ये हमारी अच्छे से पक जाए। और ये कुछ पीसेस प्याज के रह गए थे ग्राइंड होने से। अब 2 मिनट बाद देखिएगा, ये बहुत अच्छा कलर दे देगा, ये एकदम बहुत अच्छा से कलर आ गया है। अब जो हमारा प्लेट में जो वो पीसेस थे, अब आपको इसमें मिला लेना है। आप इसको हल्के हाथों से चारों तरफ इसमें मिला लीजिएगा। आप इस ग्रेवी को टाइट भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी टाइट चाहिए अपनी, तो आप इसे लो फ्लेम कर थोड़े पकने दीजिएगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसकी ग्रेवी भी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि आज मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसके ग्रेवी रखिएगा। और बहुत ईजी है, बस आपको ऐसे चलाते रहना है बस 2 मिनट तक, और ये रेडी हो गया है बिल्कुल। बस जब तक ये मसाले इसमें अच्छे से पूरे ऐड हो जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाए, बस इसे तब तक रखना है। बस इजीली इसको
उतार कर आपको खा लेना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे आएगा ये, और जो भी खाएगा वो तारीफ करेगा इसकी। अब देखिए ये रेडी होने को है, वापस मैंने उतार लिया है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी मैंने ये कढ़ाई में ही दिखा रही हूँ आपको, सर्व भी नहीं किया है, अलग डोंगे में मैंने ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।